Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today I am going to explain you the chapter number 2 of your English textbook. The name of the chapter is The Sound of Music, Sangeet Ki Awaaz. First of all, we will study part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने भले ही जो एवलिन ग्लेनी है उनकी सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन उन्होंने उसको बदले में कुछ ऐसा असाधारण दिया है जो है जो वो किसी के पास नहीं है. What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं वह महसूस करती है. Far more deeply than any of us. जो कि कोई भी उस तरह से फील नहीं कर सकता था जितना डीपली वह फील कर लेती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और इसी वजह से वह म्यूजिक को अच्छी तरह से दिखा सकती थी, एक्सप्रेस कर सकती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. आइए हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने फिजिकल डिसेबल होने के बाद भी उस चीज़ के अगेंस्ट वह लड़ी और उन्होंने सक्सेस हासिल की. रश आर्ट क्राउड जो सर्व फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जो प्लेटफॉर्म था ट्रेन का वह जमीन के अंदर बना हुआ था. प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी और वह अपनी अपनी जगह बनाने के लिए जो शल मीन्स धक्का देना धक्के मुक्का कर रही थी वहाँ पे. अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन. एक पतली सी छोटी सी लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. जो कि 17 साल की थी लेकिन 17 साल से छोटी लग रही थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड. वह नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. और जैसे ही उसने ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को फील किया वह एक्साइटेड हो गई थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. जो लंदन में प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी है वहाँ पर उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग इनफ और एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म. और वह थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि वह जो थी वहाँ पे फ्रेश थी, मतलब वो स्कॉटिश फॉर्म से अकेली ऐसी लड़की थी जो कि म्यूजिकल अकेडमी में, जो रॉयल प्रेस्टिजियस म्यूजिक अकेडमी थी लंदन की, वहाँ पे उसका पहला दिन था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज. लेकिन यह उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला था देन मोस्ट अदर लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि सी वॉज प्रोफाउंडली डीप. वह डीप थी. वह कैसी थी? वह सुन नहीं सकती थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअल. जो एवलिन ग्लेनी थी उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हुई. वह स्टार्टिंग से नहीं थी ऐसी. हर मदर रिमेंबर्स. उनकी मम्मी को अभी भी याद है. उन्होंने एक बार नोटिस किया था कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत है. एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. एवलिन जो थी वो पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी. वह कहीं पे ऑडिशन के लिए गई थी तो वहाँ पे वह पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम. जो ऑडिशन जो उसका ले रहे थे उन्होंने उनका नाम पुकारा. एंड शी डिडेंट मूव. लेकिन उसने नहीं सुना. उसने अपना नाम सुनते हुए मूव नहीं किया. आई सडनली रियलाइज्ड. उनकी मम्मी को रियलाइज हुआ. शी हैडेंट हर्ड. उसने नहीं सुना. सेज इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी जो थी वो उनकी मम्मी का नाम था. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ
टाइम के लिए कुछ समय से जो एवलिन ग्लैनी थी वो अपनी इस ग्रोइंग डीफनेस को, जो अपनी बढ़ती हुई ये जो डीफनेस थी उसको वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छिपाने में मैनेज कर रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डेट्रियोटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्स्ट हर पेरेंट्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, समय के साथ साथ एवलिन ग्लैनी के जो मार्क्स थे, जो नंबर्स थे, वो बिगड़ने लगे थे। और जो उनके स्कूल की संचालिका थी, हेड मिस्ट्रेस, उन्होंने एवलिन ग्लैनी के पेरेंट्स से आग्रह किया टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। फिर सुनने में आया, ऐसा सुनने में हुआ आया कि जो उनकी हियरिंग थी, जो उनके सुनने की क्षमता थी, वह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिसके रिजल्ट में उनका धीरे धीरे नर्व भी क्या होने लगा था, डैमेज होने लगा था। दे वर एडवाइज्ड दैट, उन्होंने उनको सलाह दी, शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उन्हें हियरिंग एड्स लगा लेनी चाहिए, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और जहाँ पे डीफ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे उनको भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। जब एवलिन ग्लैनी ने ये सुना तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वह हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, उन्होंने यह निर्धारित कर लिया था टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो उनका संगीत में इंटरेस्ट था उस चीज़ को वह आगे ले जाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, और उन्होंने यह डिसाइड किया, तय किया कि वह भी जाइलोफोन बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उनका उत्साह वर्धन नहीं किया, उनको डिस्करेज किया, उनका उत्साह को कम किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फ्रॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं, जो कि ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। तो एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने एवलिन ग्लैनी के पोटेंशियल को, उनकी क्षमता को पहचान लिया। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, फिर उन्होंने क्या किया, दो ड्रम्स लिए बड़े बड़े और उनको बजाना चालू कर दिया डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट्स द मदर भी, और इसको अलग ढंग से समझने की कोशिश करो, इसको महसूस करने की कोशिश करो कुछ अलग तरीके से। एवलिन ने कहा, सेस एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो परक्यूशनिस्ट थे वो दो ड्रम्स लिए थे उन्होंने और उनको बजा रहे थे। एवलिन कहती हैं कि मैं जो उनकी कमर से ऊपर वाला जो ड्रम है उसको वह फील कर सकती हैं, एंड एक ड्रम जो है वो उनकी कमर से नीचे तक है तो वो उसको भी फील कर सकती हैं कि एक बड़ा ड्रम है, एक छोटा ड्रम है। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने फिर से क्या किया, वही चीज़ों को बजाना स्टार्ट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, फिर उन्होंने क्या कहा एवलिन ने कि वह महसूस कर सकती हैं, कुछ कुछ नोट्स ऐसी हैं जो वह अपनी बॉडी में उनकी वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, उन्होंने कहा कि वह सीख चुकी हैं कि
साउंड एंड वाइब्रेशन को कैच करते हुए अपने माइंड को कैसे खोलना है, अपनी बॉडी में कैसे वाइब्रेशन को कैच करना है, साउंड को कैसे अपनी वाइब्रेशन के थ्रू बॉडी में वाइब्रेशन जो हो रही थी उसके थ्रू वो म्यूजिक को सेंस कर पा रही थी। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। फिर इसके बाद जो था वह कोरा क्या था, निर्धारण करना था कि हमें अब बस हार्ड वर्क करना है, कड़ी मेहनत करनी है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। जब वह 16 साल की थी तब वह यूनाइटेड किंगडम में एक टूर पर गई उनके यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा एक बैंड होता है। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि बहुत सारे यूथ थे, बहुत सारे यंग पीपल थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। तो एक उन लोगों का जो ग्रुप होता है उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उन्होंने क्या किया, एवेलिन ग्लेनी ने म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बनाने का तय कर लिया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑडिशन दिया कहाँ पर, एक म्यूज़िक की रॉयल अकेडमी थी वहाँ पर, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स उस ऑडिशन में पाए जो कि अभी तक उस अकेडमी में किसी ने भी नहीं पाए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद वह ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस से सोलो परफॉर्मेंस पर आ गई थी। उन्होंने अपने काम में इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इतना ज़्यादा अपग्रेड किया अपने काम को कि वह ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस करने लगी थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, उनके 3 ईयर कोर्स जो था म्यूज़िक का वो ख़त्म हुआ। एंड शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। उनको लेकिन इस चीज़ के लिए कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं हुआ। उनको इतनी बड़ी वीर सिद्धि मिली, इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, लेकिन कभी भी उन्हें इस चीज़ का घमंड नहीं हुआ। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो यू वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो तो आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे। जो आपकी मंजिल है आप उस पर ज़रूर पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर्कनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। उन्होंने जो एवेलिन ग्लेनी थी उनको बहुत सारे अवार्ड मिले और वह दुनिया की सबसे ज़्यादा जाने वाली सबसे ज़्यादा पर्कनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल कर ली थी और उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। वह उनकी जो मांगे थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी हर जगह। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। जो एवेलिन ग्लेनी था उनका जो परफॉर्मेंस था वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था, उसको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ये कौन कह रहा है, जो इस कहानी के लेखक हैं उन्होंने एवेलिन ग्लेनी का इंटरव्यू लिया तो वो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2 घंटे तक बात की लेकिन एवेलिन ने एक भी वर्ड मिस्ड नहीं किया था क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था। उनको सुनाई नहीं देने के बावजूद भी उन्होंने उनकी सारी बातें समझ ली थी, एक भी वर्ड उन्होंने मिस नहीं किया था। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। जो लेखक थे, जो राइटर थे इस कहानी के, उन्होंने कहा
कि एक बहुत ही जंगली बियर्ड वाला आदमी था, उसने मुझे बहुत परेशान किया। इस बात पे एवलिन ग्लेनी हंसने लगती हैं। शी लाफ्ड। एवलिन ग्लेनी हंसती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। यह सिर्फ लिप्स को देखने वाली बात नहीं है, मतलब जो एवलिन ग्लेनी थी वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो सिर्फ लिप्स को नहीं देख रही थी, क्योंकि जो लोग सुन नहीं सकते वो अपनी लिप्स को, वो सामने वाले के लिप्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एवलिन ग्लेनी थी वो सिर्फ लिप्स को ही नहीं देख रही थी, बल्कि इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। वो जो राइटर थे उनके पूरे फेस को देख रही थी, उनकी आइज को देख रही थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। वह बिना किसी मिस्टेक के बोलती हैं विद अ स्कॉटिश लिट। स्कॉटिश मतलब जो एवलिन क्लेन थी वो स्कॉटलैंड की थी, इसलिए स्कॉटिश बोला है उनको। जो इंडिया के लोग होते हैं उनको इंडियन बोलते हैं, जो अमेरिका के होते हैं उनको अमेरिकन बोलते हैं। वैसे ही जो ग्लेनी थी वो स्कॉटलैंड की थी, इसलिए यहाँ पे स्कॉटिश वर्ड का यूज़ किया गया है। स्कॉटिश लिट के साथ बोलती थी। लिट मतलब कि अ वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत वो स्कॉटिक तरीके से बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वह कहती हैं कि मेरी जो स्पीच थी वो क्लियर थी, क्योंकि वह जब 11 साल की थी तब तक वह अच्छे से सुन सकती थी। उन्होंने कहा, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन यह किसी को कभी पता नहीं चला, यह कभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि उनको सुनाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने फ्रेंच और जैपनीज में मास्टरी कैसे हासिल की। उनको फ्रेंच भी आती थी और जापनीज भी आती थी। एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए शी एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यह जो मेरी नस नस में बसा हुआ है, म्यूजिक जो है वो मेरी एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर अंग में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स मीन्स चुभन या महसूस होना। यह मेरी स्किन में महसूस होता है मुझे। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मेरे स्किन के साथ साथ यह मेरे चीक बोन्स, गालों में और मेरे बालों में भी मुझे महसूस होता है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप। जब वह जाइलोफोन बजाती हैं तब वह उस साउंड को, उस वाइब्रेशन को सेंस कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर ट्रिप। वह जब जाइलोफोन बजाती हैं, जाइलोफोन किससे बजाते हैं, स्टिक से बजाती हैं। तो जब वह जाइलोफोन बजाती हैं तब उनका जो वाइब्रेशन रहता है वो उस स्टिक से होते हुए उनकी उंगलियों तक जाता है और वो उस चीज़ को सेंस कर पाती हैं। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जब वह ड्रम बजाती हैं तब वह उस चीज़ को, उस फ्लोइंग को अपनी बॉडी में फील करती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म रहता है जिस पर वो खड़ी हुई होती हैं। शी रिमूव्स हर शू, वह अपने जूते उतार देती हैं। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, ताकि जो वाइब्रेशन है साउंड का, जो वाइब्रेशन वो फील करती थी, वह वाइब्रेशन उनके पैरों से होते हुए उनकी पूरी बॉडी में वो फील कर सकें। वह नंगे पैर, मतलब बिना चप्पल के, बिना जूते के वो खड़ी हो गई थी, ताकि वो जो वाइब्रेशन है वो उनके पैरों तक जाए और वह उसको फील कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, बिना आश्चर्य के, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। एवलिन जो थी वो अपने ऑडियंस को खुश कर देती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में एवलिन ग्लेनी को रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया।
सेज मास्टर पर्कनिस्ट जेम्स ब्लादेस। जो तबला वादक जो ड्रम बजाते हैं उनको पर्कनिस्ट बोलते हैं, पर्कुशनिस्ट। तो जेम ब्लादेस जो थे उन्होंने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उनकी सुनने की क्षमता भले ही छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इसके बदले में गॉड ने उन्हें कुछ ऐसी असाधारण चीज़ें दी हैं जो कि किसी को नहीं दी। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वह फील करती हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जितना कि कोई भी इतने डीपली फील नहीं कर सकता है जितना वो करती हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी के कारण वह म्यूजिक को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट, एवलिन ने यह माना, उन्होंने कन्फेस किया, शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, वह एक वर्कहोलिक पर्सन है, उनको काम करना पसंद है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, और मुझे काम करते रहना है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। और वो कहती हैं कि उनको क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, जितना क्लासिकल म्यूजिशियन काम करते हैं मुझे उनसे ज़्यादा ही काम करना है। बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड रहते हैं वो इनॉर्मस मीन्स असाधारण होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, अपने रेगुलर कॉन्सर्ट को छोड़ के, रेगुलर जो स्टेज पे परफॉर्मेंस होते हैं उसको हम कॉन्सर्ट बोलते हैं। तो अपने रेगुलर स्टेज परफॉर्मेंस को छोड़ते हुए एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। जो एवलिन क्लैनी थी वो जेल में और हॉस्पिटल में भी अपना कॉन्सर्ट करती थी, फ्री में अपना परफॉर्मेंस देती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, जो यंग म्यूजिशियन होते थे उनसे छोटे, तो वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, उनको प्राथमिकता ज़्यादा देती थी। एंड रिच लेन ऑफ द बीटोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एक बीटोवन फंड रहता है जो कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए रहता है। तो उनके जो ऑनर थे, जो उनके मेंबर थे, एन रिचलिन, वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि जो एवलिन ग्लेनी है वह प्रेरणा देती हैं किसको, डीफ चिल्ड्रंस को, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं वह। शी दैट दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो, वह कहती हैं कि वह देख सकते हैं कि वह कहाँ कहाँ नहीं जा सकती हैं। अब उन्होंने बोला कि मैं यह देख सकता हूँ, सब लोग यह देख सकते हैं कि आज वह कहाँ कहाँ नहीं जा सकती हैं, वह सब जगह गई हैं और सब जगह जा सकती हैं। इसलिए उन्होंने इसको बोला कि मैं यह जानता हूँ कि आज वह कहाँ कहाँ नहीं जा सकती हैं, वह सब जगह जा सकती हैं। एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie ने क्या किया है, निपुण Evelyn Glennie जो है वो पहले ही उनसे दुगने जो एज के पीपल हैं उनको निपुण किया है। She has brought percussion to the front of the orchestra, और वो उनके orchestra की सबसे अच्छी percussionist हैं। And demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. और उन्होंने प्रेरणा बनी है सब बच्चों के लिए, वो ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा बनी है जो कि handicapped हैं, physically disabled हैं। जो भी लोग physically disabled हैं वो उनको देख के ही प्रेरणा लेते हैं कि अगर वह इतनी आगे बढ़ सकती हैं physically disabled होने के बाद, तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्यूपिल लुक हर एंड से, प्यूपिल जो रहते हैं, जो बहुत सारे लोग रहते हैं, वह एवलिन ग्लेनी को देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वह कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट,
शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, जो एवलिन ग्लेनी है उन्होंने असाधारण खुशी दी है बहुत से लोगों को। उनका ये जो था कहानी, यह उनके उत्साह के ऊपर थी, उनके जज्बे के ऊपर थी कि जो एवलिन ग्लेनी थी वह फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, अपनी लाइफ में जो सक्सेस हासिल की, वह कोई साधारण जीत नहीं थी, वह उनके लिए भी असाधारण जीत थी। और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दी। थैंक यू।